हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी बाइक लेके आया हूँ मैं, और आज आए हैं टीवीएस के शोरूम पे। हाल ही में टीवीएस वालों ने अपनी एक अपनी राइडर में कलर अपडेट दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बाइक कैसी है और कौन सा कलर है अपने पीछे खड़ी है फ्रेम में, और सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ इस बाइक के बारे में, क्या प्राइस रहने वाला है और क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं कंपनी ने, तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। चलते हैं बाइक के पास और सारी चीज़ें आपको बताते हैं। गाइस, ये है टीवीएस की राइडर, काफ़ी टाइम से मार्केट में है और काफ़ी अच्छी बाइक है और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस बाइक को। अगर लुक की बात करें तो लुक जो है वो सेम है जो जैसा पहले बाइक में आता था, वैसे ही जब से लॉन्च हुई है ये बाइक, लुक में कोई डिफरेंस नहीं किया है कंपनी ने। बट जो ये कलर है, ये ग्रे कलर में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही है, और जो उसके रिम है वो रेड कलर में कर दिए हैं कंपनी ने। जैसे टीवीएस का अपाचे का रेसिंग एडिशन आया था, वैसे ही इसके जो रिम है वो आपको रेड में देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसके फ्रंट की बात करें, मैं आपको एक बार डीआरएस ऑन करके एक बार दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं इसके सिग्नेचर वाले जो डीआरएस हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और जो इसका हेडलैम्प है वो आपको एलईडी होने वाला है, स्प्लिट एलईडी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और इसकी रेंज काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इंडिकेटर्स आपको हैलोजन पे देखने को मिल जाएंगे, बट जो इंडिकेटर्स का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। और सस्पेंशन आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको नीचे डिस्क भी देखने को मिल जाती है, जो कि 240 mm की आपको इसमें डिस्क देखने को मिल जाएगी, और ये डिस्क जो है वो आपको रोटर पैटल डिस्क देखने को मिल जाएगी, और कैलीपर में किसी तरह की आपको ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी। बट जो इसका रिम है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर में देखने में, और फेंडर में आप देख सकते हैं ग्रे एंड ब्लैक कलर में है, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका फेंडर भी लग रहा है लुक वाइज। और टायर जो इसका है वो आपको 80/117 का आपको इसमें टायर फ्रंट का देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्यूबलेस होने वाला है इसका फ्रंट टायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड पे, यहाँ पे कुछ टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको आर का लोगो देखने को मिल जाएगा, इसका सिंबल है आपका राइडर। सो अगर साइड प्रोफाइल को देखें तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, ग्रे पे ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका टीवीएस का जो लोगो होता है वो भी काफ़ी अच्छा 3D में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, सिल्वर कलर में ये भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका लुक देखने में। और जिसकी साइड के पैनल हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और साथ ही जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर है वो आपको मैट में मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर ग्लॉसी में मिलेगा, तो जो कॉम्बिनेशन किया है कंपनी ने वो भी काफ़ी अच्छा किया। और यहाँ पे आपको रेड में थोड़ा सा आपको टच देखने को मिलने वाला है, तो ये इससे लुक और इन्हेंस हो जाता है बाइक का। और नीचे यहाँ पर आपको इंजन कॉल भी देखने को मिल जाता है ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर में, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और इंजन की अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको जो इंजन देखने को मिलता है वो आपको 124.8 सीसी का एयर कूल FI इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और सिंगल सिलेंडर है, साथ ही जो ये पावर प्रोड्यूस करके देने वाला है आपको इसमें 11.38 की पावर आपको देखने को मिल जाएगी, और जो टॉर्क है इसका वो आपको 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो इंजन की जो पावर है और जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं TVS iGo Assist की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, तो ये भी आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। और इस इंजन में साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पैनल में भी आपको विक्स देखने को मिल जाएंगे, तो इससे आपका इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा कूल रहने वाला है, अगर आप बाइक को भगाएंगे तो आपका इंजन कूल रहेगा। और फुटरेस भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ब्रेक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, और एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं गाइस, एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। और जो ये बाइक है, जब टीवीएस वालों ने इसको लॉन्च किया था तब भी स्पोर्ट लुक में था, तो ये प्रॉपर स्पोर्टी लुक लगती है देखने में, बट ये आपको 125 cc के इंजन के साथ आती है, और बहुत सारे आपको इसमें फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अगर आप राइड करते हैं नॉर्मल सिटी में तो आप इजीली इसको राइड कर सकते हैं, आप इसको कम्यूटर बाइक की तरह यूज़ कर सकते हैं इजीली। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैनल पे राइडर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ये भी आपको 3D में आपको देखने को मिल रही है। और जो इसका रियर का फुटरेस है वो मेटल का होने वाला है, तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने में लग रहा है। और रियर सेक्शन में आप देखें तो यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा, और ये 5 स्टेप आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं गाइस, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और अगर इस रियर में टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो उसमें आपको 190/17 का इसमें टायर देखने को मिलने वाला है, तो इस रियर में आपको 100 cc का
अच्छा, काफ़ी अच्छा टायर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और ये आपको ट्यूबलेस देखने को मिलने वाला है। ये TVS के टायर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टायर होते हैं TVS कंपनी के। और रिम आप देख सकते हैं रेड कलर में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रियर में आपको ड्रम देखने को मिलने वाला है, 20 mm का आपको इसमें ड्रम देखने को मिल जाएगा। और रियर सेक्शन में अगर देखें आप तो यहाँ पर आपको फुल्ली LED आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। जो उसका रियर सेक्शन का जो लाइट है वो आपको LED में देखने को मिल जाएगा और जो ये रियर के इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन के आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं टेल सेक्शन ऑन हो चुका है तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी आपको जो टेल लाइट है उसमें भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, आर का लोगो आपको इसको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीट ओपन करने के लिए लॉक भी देखने को मिल जाएगा और बेल्ट आईडी भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलने वाले हैं और ये नंबर प्लेट की जो लाइट है वो आपको हैलोजन में देखने को मिल जाएगी। और इस साइड आपको सारी कार के साथ फुटलेस अटैच देखने को मिलने वाला है और जो इसका सिंगाम होने वाला है वो बॉक्स वाला मेटल वाला इसका सिंगाम होने वाला है। और ड्यूरेबल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं मेटल का आपको इसमें ड्यूरेबल देखने को मिल जाएगा। और ये बाइक जो है वो आपको स्प्लिट सीट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्पोर्टी बाइक है तो स्प्लिट सीट के साथ ये आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है सीट जिससे प्रॉब्लम हो फैमिली को बैठाने में, और ये एक मिड साइड पर है, स्पोर्टी भी लगता है और आप इसमें फैमिली को भी बैठा सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा ऊंची सीट हाइट है रेयर की, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। और अगर कुशन की बात हो तो कुशन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है सीट का। और अब सीट हाइट इसमें आपको देखने को मिलती है जो वो 780 mm का आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिल जाता है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है 180 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग। और जिसमें गियरबॉक्स आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है, अच्छी सी आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिलती है। और इस बाइक की अगर वेट की बात करूँ तो ये आपको 123 kg की आपको काफ़ी लाइट बाइक आपको देखने को मिल जाती है और इस वजह से आपको राइड करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और टैंक इसमें आपको जो देखने को मिलने वाला है वो आपको 10 liter का टैंक कैपेसिटी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ठीक है। और जिसका एवरेज है तो कंपनी क्लेम करती है 71 kmph क्लेम करती है, बट ये आपको 65 से 69-67 तक इसका एवरेज आपको देखने को मिल जाएगा, जो ओनर का एवरेज है। और अगर इसके स्विच की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको इसमें स्विच देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है स्विच की। और इसमें जो हैंडल बार है वो आपको पाइप वाला हैंडल बार देखने को मिलता है और मिरर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और व्यू काफ़ी अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं, मिरर भी अच्छे मिरर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं E20 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ फ्रंट पे ही आपको चार्जिंग पॉड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है कि इसमें आपको फ्रंट पे ही चार्जिंग पॉड आपको देखने को मिल रहा है। और अब आपको ऑन करके दिखाते हैं इसका क्लस्टर, आप देख सकते हैं गाइस ये आपको फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है और कलर डिस्प्ले के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और यहाँ आप देख सकते हैं हेलमेट की वार्निंग आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ आप बिल्कुल कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको इसको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं RPM इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, गियर शिफ्टिंग या न्यूटर, और यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपको टाइम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और ऊपर की साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड स्टैंड सेंसर और यहाँ पे TVS का लोगो और यहाँ पे इंजन लाइट और यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे दो स्विच दिए गए, इससे आप जो कंप्रेसर कंट्रोल कर सकते हैं, टर्मिनल कर सकते हैं और यहाँ पे फ्यूल गेज, और साथ ही यहाँ पे भी स्विच में आपको देखने को मिल जाएगा एक स्विच जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। और वॉइस एसेस भी इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वॉइस एसेस के साथ आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी। और जो उसके स्विचेस हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, हॉर्न है काफ़ी अच्छा बज रहा है, इंडिकेटर और ये पावर और हाई बीम, और यहाँ पे आपको पासिंग का स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप जितने पावर और ईको यहाँ पर आपको सेल्फ देखने को मिलने वाला है, बट यहाँ पे सेल्फ के साथ आपको किक देखने को नहीं मिलती है, गाइस आप देख सकते हैं जिसमें आपको खाली सेल्फ आपको इसको देखने को मिल जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी प्यारा लग रहा है, कलर में आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके लीवर्स की, आप देख सकते हैं क्लच लीवर वो आपको काफ़ी अच्छा मेटल का आपको इसमें देखने को मिल रहा है, बट ये सिल्वर कलर का है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ये एडजस्ट नहीं हो सकता, ये फिक्स वाला है, ब्रेक भी और क्लच भी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मशीन है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बाइक है और लुक में भी काफ़ी अच्छी है, इसका एवरेज भी काफ़ी अच्छा, मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा एवरेज है इस बाइक का। सो गाइस इसमें आपको विफ्ट की देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस
बाइक में आपको विफ्ट की देखने को मिल रही है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको विफ्ट की देखने में विफ्ट की टीवीएस दे रहा है आपको और की काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसमें आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी टीवीएस की। और अब सुनाते हैं इस बाइक का साउंड, ये बाइक साउंड कैसा करती है। ऑन करते हैं इस बाइक को। गाइस बाइक ऑन हो चुकी है और इसमें साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिल जाती है और जिसका साउंड है काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी अच्छा इंजन है, काफ़ी रिफाइंड मिल जाए आपको सकते हैं बाइक साउंड यदि आइडियल पे है। सो गाइस आपने साउंड सुना, जैसा कि ये बाइक स्पोर्टी है वैसा ही इसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई कम्यूटर बाइक राइड कर रहे हैं। इसके साउंड सुन के तो काफ़ी अच्छा साउंड है इस बाइक का। और अब बात करेंगे इसके प्राइस की, ये आपको कितने की मिलने वाली है। तो गाइस इस बाइक की अगर प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा प्राइस है इस बाइक का। ये आपको मिल जाएगी 1,19,000 की, आपको ये ऑन रोड पड़ने वाली है। तो आप 1,19,000 में इस मशीन को ले जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा बाइक है, काफ़ी रिफाइनमेंट इंजन है इसका। तो गाइस इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं अगर फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रियर ब्रेक भी साथ में अप्लाई होगी। इसमें आपको अभी ABS देखने को नहीं मिलता है, कंपनी ABS ला दे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस बाइक में भी आपको ABS देखने को मिल जाए। काफ़ी अच्छा बाइक है, काफ़ी रिफाइनमेंट इंजन है इसका और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। अगर स्ट्रीम से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, TVS का भरोसा है साथ ही, तो बाइक काफ़ी अच्छा है। अगर इस बाइक को आप परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी क्लासिक TVS में, जो कि जिनका शोरूम पड़ता है वो IEM चौराहे के पास है। आप आके इस बाइक को यहाँ देख सकते हैं, ले सकते हैं और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और बाकी वीडियो को यहीं से करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।